विदिशा के सिरोंज तहसील में बुर्का पहनकर आई चार महिलाओं के गिरोह ने एक ज्वेलर की दुकान से 2 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिए। यह घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बदमाश महिला ने केवल 1 सेकंड में ही बालियों का डिब्बा उड़ा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल यह घटना विदिशा के सिरोंज तहसील में भूतेश्वर पथ पर स्थित सोनी ज्वेलर्स के यहाँ पर हुई। हुआ यूं कि यहाँ चार महिलाओं का एक गिरोह बुर्का पहनकर आया, जो करीब आधा घंटा दुकान में रुकी, लेकिन बिना सामान लिए लौट गई। दुकान संचालक ने शाम को सामान की गिनती की तो बालियों का एक डिब्बा कम मिला। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि 1 सेकंड में ही महिला ने 2 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सिरोंज थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी ने कहा कि बुर्का पहने हुए चार महिलाएं दुकान पर आई थी, जिसमें से एक महिला ने वारदात की और भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें घटना का पता चला। पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। ये अशोक सोनी पुत्र लक्ष्मी नारायण सोनी जी हैं, पोली ढाना के रहने वाले हैं। इनकी दुकान है चांदनी चौक के पास, तो वहाँ कुछ महिलाएं जो दिन के समय खरीदारी करने के लिए आई थी, उन्हीं में से चार महिलाएं जो बुरखे पहने हुए थी, उनमें से एक महिला ने, उनके साथ की एक महिला ने करीब 4.5 तोले का उसमें बॉक्स में अलग अलग झुमकी और लौंग वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी, उसको उठा लिया। चोरी के आशय से उसको उठा लिया और धीरे से ही लोग वहाँ से निकल गए। उस समय दुकान के जो मालिक हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं लग पाई थी कि उनके यहाँ से कोई चीज चोरी चली गई, पर शाम को करीब 6:30 बजे कोई ग्राहक आया और उस प्रकार के आइटम की मांग की, तब इनकी जानकारी में आया कि एक बॉक्स कम है। उसके बाद जब ये दुकान बंद कर रहे थे तो उस समय इनने पूरा अपना माल काउंट किया, तब इन्हें कन्फर्म हुआ कि हमारा एक बॉक्स कम है, जिसमें करीब 4.5 तोला सोने के आइटम रखे हुए थे और वो कोई चोरी करके ले गया है। फिर उसके बाद इन्होंने फुटेज देखा, तो फुटेज में जब उन्हें क्लियर हुआ कि चार महिलाएँ थी बुर्का पहने हुए थी, उनके चेहरे अस्पष्ट हैं, उनमें से एक महिला वो बॉक्स चोरी करके वहाँ से धीरे से ले गई हैं। आसपास की फुटेज हम लोगों ने तलाश की है, तो उसमें चार महिलाएं दिख रही हैं जो बुर्का पहने हुए हैं। उसमें अभी टीम लगा दी है, लगातार तलाश पतारसी के प्रयास जारी हैं। 4.5 तोला सोना उन्होंने बताया, करीब 4.5 तोले के आइटम लगभग। मामले में दुकान मालिक अशोक सोनी ने कहा कि बुर्का पहने आई महिलाओं द्वारा 15-20 मिनट तक दुकान पर सामान देखा गया। इस दौरान उन्होंने 2 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। चार लेडीज आई थी, वो इस साइड बैठ गई थी, दो जन बैठ गए। मैंने उनको पेंडल दिखाया, पेंडल दिखाने के बाद मुझे माली दिखा दी, मैंने माली दिखा दी उसको, कम से कम 15-20 मिनट उन्होंने पैसा शॉप पर देखते ही सामान देखते ही 20 रुपये पैसा करने के बाद वो यहाँ बैठी थी बगल में, डब्बा रखा था नीचे, वो उठा के ले गई मैंने। उसमें लगभग 40 ग्राम सोना है, 4 तोले, 2 लाख रुपये चोरी हुई रात को करा दी। देखा जाए तो महिलाओं के गिरोह द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, विदिशा।